दो तीन दिन फंसा रहने के बाद जाके जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है ना किसी से भी, तो उसकी एक फीलिंग सी अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत, और आज का ये जो वीडियो है मैं शूट कर रहा हूँ, वैसे आज से लगभग मतलब कल से मैं ऑलरेडी इसमें काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम बहुत ही छोटा सा सिंपल सा था, लेकिन समटाइम वाला प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको डायग्नोस करना। तो अगर आपकी गाड़ी में कभी भी समटाइम्स वाला प्रॉब्लम हो रहा है और आप मैकेनिक के पास लेके जाते और वो देख के प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें मतलब मैकेनिक की दोष मत दीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक हम लोगों को मिलता नहीं है तो तब तक प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आज तो मेरा किस्मत अच्छा है कि फाइनली मुझे ये मिल गया। होता क्या है, एक्चुअली हम लोगों को प्रॉब्लम मिलता नहीं है, जैसे ही कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर देते और कस्टमर के हाथ में जाने से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। बट किस्मत अच्छा है कि मुझे ये प्रॉब्लम मिल गया, और इसमें कस्टमर का जो इशू है एसी सम टाइम कुछ देर चलने के बाद मतलब अचानक कब होगा ये कोई पता नहीं है। हो सकता है कि दो दिन तीन दिन ठीक चले, बट अचानक जैसे ही एसी बंद होगा तो कुछ देर उसको ऑन नहीं कर पाएंगे, फिर ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है, ये कस्टमर का इशू है। आइसिंग वाइसिंग का कुछ इशू नहीं है, वैसे ये कमर्शियल गाड़ी है, लेकिन मैंने काफी पूछताछ कर लिए तो मुझे आइसिंग वाइसिंग का कुछ इशू नहीं लगा। इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल लूज कॉन्टेक्ट हो रहा है यही मुझे लगा था, और फाइनली जाके वही मिला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे अभी गाड़ी चलाते हुए मैंने स्कैनर लेके सुबह से ही निकल गया कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये देखना है, और विदाउट स्कैनर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फाइनली जैसे ही प्रॉब्लम मिला, अभी पसीना पसीना मेरा हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर भी कर दूं। अब दोस्तों, गाड़ी का जो प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी मेरा स्टार्ट है और इस कंडीशन में जैसे कि आप देख सकते हैं एसी स्विच ऑन है, ब्लोअर स्पीड मैंने एक पे सेट करके रखा। इस कंडीशन में जो डेटा आपको देखना है इस तरह की केस में, अभी क्योंकि प्रॉब्लम मिला है तो अभी हमको इसी कंडीशन में ये चेक कर लेना है, नहीं तो आप मतलब जब प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो आपको सब सही लगेगा। अब प्रॉब्लम है, इसी कंडीशन में मुझे ये चेक करना है, तो मैंने इसमें इंजन में ही जाके आपको कुछ डेटा है जो मिल जाता है। वैसे तो ये ऑटोमेटिक एसी नहीं है, ऑटो एसी रहने से और आसान हो जाता है, बट ये देखिए मैनुअल एसी में भी ये इंजन में आपको ये सब डेटा मिलेगा, जो कि एसी ऑन सिग्नल स्विच ये ऑफ दिखा रहा है, मतलब ये जो स्विच है ये मैंने दबाया और यहाँ पे देखिए ये लाइट जला हुआ है, अभी ऑफ किया तो ऑफ है, ऑन किया तो ऑन है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्विच है इसकी कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। इसको मैं जब इसको चेंज कर रहा हूँ, धुंधला पड़ रहा है, मतलब ये स्विच दबाने से कुछ इसकी इफेक्ट देखिए ये कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ये जो स्विच है ये मतलब प्रॉब्लम हो सकता है क्या? अब एक बेसिक सी बात है, जब तक हम लाइट मतलब स्विच को दबाते हैं इसका एक्चुअली काम क्या है? एसी स्विच हमने ऑन किया, मतलब कस्टमर जो पैसेंजर बैठा है गाड़ी में वो जैसे एसी स्विच को ऑन करेगा तो एक सिग्नल पहुंचता है ईसीएम तक कि हाँ अभी कस्टमर ने एसी स्विच रिक्वेस्ट किया है एसी ऑन करने के लिए। ईसीएम आगे उसको कंप्रेशर को ग्राउंड कर देता है, रिले को ग्राउंड कर देता है ताकि कंप्रेशर जो है वो ऑन हो पाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एसी स्विच दबा रहा हूँ, लाइट तो शो कर रहा है लेकिन आगे वो ईसीएम तक पास नहीं हो रहा है। इसके रीजन क्या हो सकता है? या तो ये जो मॉड्यूल है जो स्विच दबा रहा है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, वायरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, और या फिर ईसीएम का प्रॉब्लम हो सकता है। अब सबसे पहले मुझे वायरिंग की जो कनेक्शन है वही चेक करना है कि आखिर जो दबा रहे हैं यहाँ से वोल्टेज ईसीएम तक पहुँच रहा कि नहीं। तो इसके लिए मैंने इसकी जो डायग्राम है वो खोला, मैनुअल है तो मैनुअल क्लिक करना है, स्कीमेटिक डायग्राम, अभी देखिए ये सारा सब कुछ तो चेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या? जैसे कि मैंने डेटा में देखा कि मेरा जो डेटा एसी ऑन स्विच का है, मतलब एसी जब दबा रहा है तो वो स्विच ईसीएम तक जा रहा कि नहीं, वो डायग्राम मुझे मेनली देखना है कि कहाँ पे है। अब ये देखने से मुझे ये मेरा एसी कंट्रोल मॉड्यूल शो कर रहा है एसी सिलेक्ट, मतलब मैं जो एसी स्विच दबा रहा हूँ तो यहाँ से ये सिग्नल ईसीएम तक जा रहा है, तो मुझे ये लाइन मेनली चेक करना है कि यहाँ से वोल्टेज आ रहा कि नहीं। अब इसके बीच में पड़ गया ये जॉइंट कनेक्टर, और इस तरह की केस में लूज कॉन्टैक्ट की केस में सबसे पहले तो हम लोग या तो जो कनेक्टर है इस कनेक्टर को, या फिर अगर कोई जॉइंट कनेक्टर रहता है उसी को फॉलो करते हैं। और इसको मैंने खोला क्योंकि ये जॉइंट कनेक्टर से लूज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है।
ये यहाँ पे मुझे जॉइंट कनेक्टर कैसा, मतलब इसकी कनेक्टर का साइज़ कितना पिन का है ये दिखा रहा है। अब इसकी जो लोकेशन है, तो ये जो EM31 ये कनेक्टर मेरा दिखा रहा है, यहाँ पे गियर लीवर जो कंसोल है, गियर लीवर कंसोल के लेफ्ट साइड में है। अब वो मैंने आपको खोल के रखा। ये जो कनेक्टर है, सारा खेल इस कनेक्टर का है। मज़े की चीज़ देखिए। अब मैं जैसे मतलब इसको रखने गया तो इसमें थोड़ा सा हाथ लगा तो ये ऑटोमेटिक इसकी जो डेटा, ये देखिए मतलब हाथ से हिलाने से ही ये, अभी क्योंकि मैं हाथ से ऐसा ऐसा कर रहा हूँ तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन कस्टमर जब गाड़ी को चला रहे हैं तो उस कंडीशन में कभी कभी हो रहा है प्रॉब्लम। अभी ये देखिए ये लॉक भी इसका टूटा हुआ है। लॉक मीन्स कि ये एक जगह पे जहाँ पे रहता है कनेक्ट किया हुआ, वो लॉक टूटा हुआ है। बट ये मैटर नहीं है, कनेक्टर बिल्कुल लॉक है, लेकिन फिर भी जब हम इसको मतलब थोड़ा सा हिलाते, ये जो पिन है, ये जो वायर है, इस वायर में लूज कॉन्टैक्ट होने के कारण शायद मेरे ख्याल से ये मतलब जैसे थोड़ा चाप के रखेंगे तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा चाप के रखा तो ओके, ये मेन जो लूज कॉन्टैक्ट है ये इसकी वजह से ही हो रहा है। इसको जैसे मैं हिला रहा हूँ तो कभी कभी ये इंटरनली ये ऑन ऑफ हो रहा है, यही प्रॉब्लम है गाड़ी का। और अब हमें करना क्या है, इसको वर्कशॉप लेके जाके पहले इसको पूरा एक हाथ से मुझे करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसको लेके जाके मैं इसको एक बार पहले, ये देखिए जैसे मैंने खोल दिया इसको तो अभी इस कंडीशन में मेरा एसी स्विच जो है ये बिल्कुल ऑन ही है, एसी स्विच ऑन रहेगा। और यहाँ पे डेटा आप देखेंगे तो आपको मतलब एसी स्विच ऑन रहेगा, लेकिन गाड़ी का एसी जो है वो ठंडा नहीं होगा। और हाँ, अगर ये कनेक्टर ऐसे बिल्कुल खुला ही रहता है तो उस कंडीशन में और एक चीज़ है, आपका गाड़ी इससे इमोबिलाइजर का भी एक कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन मुझे देखने होगा कि कौन सा पिन है। बट हाँ, ये खुला रहने से बिल्कुल, या अगर पूरा कनेक्टर लूज रहता है तो उस केस में आपका ये गाड़ी स्टार्ट ना होने की चांसेस है। मैं अभी इसको फिर अब कंपनी में जाके इसको देखेंगे। अब ये पिन को मैंने यहाँ से खोल दिया क्योंकि इसमें पिन देके चेक करने से कई बार होता है क्या, इसकी जो मुंह है ये बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए जो कनेक्टर में जैसा पिन लगेगा, या तो आपके पास ये पिन अगर अवेलेबल है आप इसका यूज़ कीजिए कीजिए, या फिर जो कनेक्टर है मतलब इसका ये है, मैंने इसको खोल लिया। अब खोल के इसको डायरेक्टली इस कंडीशन में ये रहेगा तो इसको आप इसके अंदर देखिए, हाथ से ये देखिए ये बिल्कुल फ्री है, तो इसके लूज कॉन्टैक्ट होने की एक चांसेस है जार्थिंग में, हो सकता है कि ये ऐसा रह जाता है, लेकिन लूज कॉन्टैक्ट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब थोड़ा सा जर्किंग में ये लूज कॉन्टैक्ट होगा। जैसे कि इसी पिन को अगर हम बाकी इस साइड के पिन में देते हैं तो ये थोड़ा जाम है, जाम इसमें मतलब लूज कॉन्टैक्ट होने का चांसेस एकदम नहीं है ये, तो दैट मीन्स कि इस पिन का ये जो मुंह है, फीमेल का कनेक्टर है, ये थोड़ा सा हो सकता है कि बड़ा हो गया, और जिसके चलते ये पिन इसके अंदर रहने के बावजूद भी ये लूज हो रहा है एकदम बिल्कुल, मतलब ये निकल गया निकल गया। अब अगर इसके अंदर हम इसको डालते तो देखिए ये इतना हिलाने के बाद भी नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स कि ये मेरा अभी भी जैम है। ये वापस मतलब साइड का मैं पिन में बस चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, इसको हमको जंप करना है, या तो आप इस पिन को खोल के थोड़ा चाप सकते हैं, या फिर यहाँ से वायर लेके यहाँ से वायर दोनों को जंप कर देंगे। अब वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक जंप वायर कर दिया, जो पिन में मुझे मेन डाउट था उस पिन का वायर को मैंने एक ऊपर से जंप कर दिया, ताकि अगर अंदर लूज कॉन्टैक्ट भी हो मेरा इस वायर बिल्कुल प्रॉपर कनेक्टेड रहे। वैसे हाँ, और कभी ऐसा भी होता है कि ये करने का जगह नहीं है आपको, तो उस केस में क्या होगा, पतला पतला सपोज मान लीजिए ये जो कॉपर वायर रहता है, ऐसा कॉपर वायर लेके हम इसकी मुंह में दे देते फीमेल कनेक्टर की, ताकि उसमें भी थोड़ा सा जम रहे। अब ये इसमें करना बेस्ट रहा तो मैं इसलिए इसमें इस तरह का जो काम है ये करके दिया। अब इस कंडीशन में मैं गाड़ी को फिर
एक बार चला के भी कंफर्म करना है मुझे। और हाँ, इसको टेपिंग वेपिंग कर देंगे। अब दोस्तों, इस वीडियो को एडिट करते हुए मुझे लगा है कि आपके साथ थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना ज़रूरी है, ताकि आगे आपके पास अगर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे इसको डेटा से डायग्नोसिस करें। तो बेसिक्स क्या है, पहले तो आपको डेटा सारा जानने होगा कि कौन सा डेटा एक्चुअल में हम देख सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पे एसी स्विच का डेटा जो मिलेगा, कंप्रेशर रिले का डेटा मिलता है, फैन का स्टेटस दिखाई देता है और एसी प्रेशर स्विच का कितना प्रेशर है ये दिखाता है डेटा में। ये बहुत ही कॉमन डेटा है जो कि आपको इंजन में जाके एक्सेस करने से मिल जाता है। एसी अगर गाड़ी में एफएटीसी होगा या चाहे नहीं होगा, ये डेटा आपको लगभग अभी सारा गाड़ियों में मिल जाता है। अब इस सिचुएशन में मुझे गाड़ी में जो प्रॉब्लम पहले इस गाड़ी में मिला है, मैंने जब एसी मॉड्यूल से मतलब ईसीएम में स्कैनर कनेक्ट किया, ईसीएम से स्कैनर कनेक्ट करने से मुझे दिखाया स्विच मेरा यहाँ पे ऑन हो रहा है, लाइट जल रहा है, मतलब स्विच यहाँ पे ऑन हो रहा है। लेकिन जब स्कैनर से हम देख रहे हैं तो ईसीएम के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कस्टमर ने एसी स्विच को ऑन किया। तो यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो ये यहाँ पे दिखा रहा है ईसीएम स्टेटस ऑफ, मतलब स्विच की स्टेटस ऑफ। इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो लाइन है, क्योंकि यहाँ पे ऑन दिखा रहा है बट यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है, तो मैंने इसके लिए इसकी जो लाइन है इस लाइन को चेक किया बीच में जो जॉइंट कनेक्टर है उस कनेक्टर में, और मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे मिल भी गया। बट अगर सपोज मान लीजिए कि आपके पास ऐसा ना हो के बल्कि यहाँ पे आपको ये ओके दिखाता है मतलब ऑन, बट फिर भी आपका गाड़ी का एसी चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, ये डेटा हमें मदद करेगा। कंप्रेशर रिले ये स्टेटस क्या दिखा रहा है, ये ऑन दिखा रहा है कि ऑफ। अब मैंने मेरे गाड़ी में ऑफ था और आपके गाड़ी में सपोज ये ओके है, मतलब यहाँ से लाइन यहाँ तक आ रहा है। अब इसके ईसीएम का काम क्या है, फ्यूज बॉक्स को आगे ग्राउंड देना ताकि कंप्रेशर ऑन हो पाए। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्यूज बॉक्स में जो रिले है, रिले की स्टेटस अभी भी ऑफ दिखा रहा है। तो कब ये ऑफ क्यों दिखाता है, कौन सा रीजन होने की वजह से पॉसिबिलिटीज है कि ईसीएम इसको कंप्रेशर को चलने ना दे। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैं वैसे लिख दिया हूँ, आप प्रेशर स्विच, जो एसी सिस्टम में एक प्रेशर स्विच रहता है उसका कुछ काम रहता है। अगर प्रेशर बिलो 2 bar, अगर बिलो 2 bar रहेगा अप्रॉक्स, तो तब आपकी गाड़ी की जो एसी है ये ऑन नहीं होगा। या फिर अगर इसके एक लिमिट भी रहता है, एक अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, सपोज 30 bar के ऊपर अगर है तब भी आपका गाड़ी का एसी जो है ये ऑन नहीं होगा। अब और एक है कूलेंट टेम्परेचर, सपोज कूलेंट टेम्परेचर मतलब आपका गाड़ी का जो इंजन है ये ओवरहीट हो रहा है, तो इन दैट टाइम कूलेंट टेम्परेचर हाई होने की वजह से भी आपका गाड़ी का जो ईसीएम है ये कंप्रेशर को ऑन होने नहीं देगा, इसीलिए रिले को ग्राउंड नहीं करेगा। अगर सपोज मान लीजिए कि आप एसी ऑन किए, फैन नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी ईसीएम जो है कंप्रेशर को ऑन होने नहीं देगा। कुछ गाड़ी में ऐसा होता है कि फिन सेंसर जो है डायरेक्टली ईसीएम को रिपोर्ट करता है, बट अभी गाड़ियों में मैक्सिमम फिन सेंसर जो है वो एफएटीसी कंट्रोल मॉड्यूल को ही रिपोर्ट करता है। बट ये मैं जानकारी के लिए बस आपको मेजर जो सारा है ये प्रोवाइड किया, ताकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो। अगर फैन नहीं चलेगा तो आपका गाड़ी का एसी नहीं चले, मतलब कंप्रेशर ऑन नहीं होगा, और ये जो कंप्रेशर रिले है ये ऑफ दिखाएगा। कूलेंट टेम्परेचर अगर हाई रहेगा उस कंडीशन में भी ये आपका रिले ऑफ होगा। प्रेशर स्विच अगर बिलो 2, नॉर्मली हाई होता नहीं है, अगर बिलो 2 bar होगा मतलब एसी सिस्टम में गैस नहीं है, उस कंडीशन में अगर कंप्रेशर मतलब ईसीएम कंप्रेशर को ऑन कर देगा तो सिस्टम डैमेज होने की चांसेस है, इसीलिए ईसीएम इसको ग्राउंड ही नहीं करेगा इसके अंदर जो रिले है, ताकि कंप्रेशर ऑन हो पाए, ओके। तो अब और एक क्या हो सकता है, अब यहाँ पे मैंने इसको सस्पेक्ट किया कि ऑफ है, बट सपोज मान लीजिए यहाँ पे भी ऑन है और ये जो रिले है ये रिले ऑफ के बजाय अब यहाँ पे ऑन हो गया, ओके। ये ऑन है, यहाँ पर ये ऑन है, बट आफ्टर दैट आपकी ये जो कंप्रेशर है ये फिर भी ऐसे ठंडा नहीं हो रहा है, मतलब कंप्रेशर घूम नहीं रहा है, आप चेक कर रहे हैं। तो तब हमें क्या करना है, यहाँ से जो लाइन डायरेक्टली कंप्रेशर तक आ रहा है, यहाँ पे आप मल्टीमीटर लगा के देख सकते हैं, और एक डेटा भी आता है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वो है कि 5 नंबर में
कंप्रेशर का स्टेटस क्या है, पॉसिबिलिटीज नहीं है सब गाड़ी में ये डेटा मिले, बट ये डेटा भी आपको दिखाई देता है कि कंप्रेशर का स्टेटस, जैसा कि इस गाड़ी में मेरा नहीं था, बट कुछ गाड़ी में ये कंप्रेशर स्टेटस भी दिखाता है, ये ऑन है या ऑफ है। तो यहाँ से डेटा से भी आप देख सकते हैं, अगर डेटा नहीं है तो इन द टाइम आपको करना क्या है, ऑप्शन फ्यूचर करना है कि 12 वोल्टेज या फिर जो बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज है वो सप्लाई हो रहा कि नहीं। ओके, मैं वीडियो थोड़ा सा मे भी लंबा हो गया, बट ये समझाना जरूरी था। मेरा यहाँ पे ऑफ दिखा रहा था इसीलिए मैं इस कनेक्शन को देखा, बट यहाँ पे अगर मेरा ऑन दिखा था तो मैं इस कनेक्शन को छोड़ देता, मतलब ये सही है। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में जाता, देखता कि फ्यूज बॉक्स मतलब रिले की स्टेटस क्या दिखा रहा है। अगर रिले स्टेटस मेरा ऑफ दिखाता तो उस कंडीशन में मुझे देखना था कि प्रेशर स्विच का लाइन सही है कि नहीं, इसका सिग्नल सही है कि नहीं, कूलेंट टेम्परेचर सही है कि नहीं, फैन चल रहा कि नहीं, या फिर फिन सेंसर की जो डेटा है वो सही दे रहा कि नहीं। अगर ये सारा सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे ये ऑन होना ही होना है। अब यहाँ पे सपोज ऑन मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर भी एसी ऑन नहीं हो रहा है, तो इन दैट टाइम मुझे करना क्या है कि ये जो लाइन आ रहा है फ्यूज बॉक्स से, तो ये कंप्रेशर तक इस लाइन को चेक करना है बैटरी वोल्टेज का सप्लाई है कि नहीं। अगर बैटरी वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है फिर भी कंप्रेशर ऑन नहीं हो रहा है, तो ये कंप्रेसर 90% मतलब 99% आप श्योर हो जाए कंप्रेशर की अंदर की जो मैग्नेटिक क्लच हो या कुछ भी हो, ये कंप्रेशर में प्रॉब्लम है। अब आपको कंप्रेशर को अलग से कंपोनेंट टेस्ट करने होगा कि कंप्रेशर प्रॉपर काम कर रहा कि नहीं, मतलब बाहर निकाल के भी कर सकते हैं या फिर इसका भी अलग से वीडियो होता है। तो यहाँ तक था मेरा डायग्नोसिस का, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप, कि अगर कभी भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो ऐसे सिस्टम में इस तरह की लूज कॉन्टैक्ट या कुछ भी, तो इससे एटलीस्ट आप इसको समझ पाए। और इसी तरह से नॉर्मली डेटा का जो डायग्नोसिस है इसी तरह से करना होता है आपको, इसीलिए डेटा को अच्छे से फॉलो करना है कि कौन सा डेटा मेरा अवेलेबल है और इसकी मदद से मैं डायग्नोसिस में कितना हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों ये था आज का वीडियो, एंड आई होप कि आपको वैसे उतनी ज़्यादा आपका गाड़ी में अगर कभी मतलब आपके पास अगर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल एसी के वजह से यही को आपको मतलब इसी कनेक्टर को डायरेक्ट करना है। बस ये एक वे है कि कैसे आपको अगर लूज कॉन्टैक्ट की केस होता है और कनेक्टर डाउट भी होता है तो कंफर्म करने के लिए आप उसको कैसे जंप करके एक बार कंफर्म कर सकते हैं। ये बस एक वे मैंने दिखाया, और मुझे जो लग रहा है कि इस गाड़ी का जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया है। और प्रॉब्लम लास्ट में जैसे कि बहुत फ्रिक्वेंटली मिल रहा था, क्योंकि हम लोगों को एक बार माइंड में ये आ गया कि प्रॉब्लम वहाँ पर है, बट जब तक ये पता नहीं था कि वहाँ पर प्रॉब्लम है तब तक तो मेरे लिए ये मतलब एसी सिस्टम का जो हर एक कनेक्टर है सबके सब में ही प्रॉब्लम था। और ऐसा ही होता है कि गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आपको लगता है ये बहुत ही छोटा सा माइनर सा प्रॉब्लम था, लेकिन जब तक आपको पता नहीं रहता ना तो वो प्रॉब्लम एक बहुत कुछ ही लगता है हम सबको। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बहुत ज़्यादा पूरा एकदम पसीना पसीना हो गया, थैंक यू।